हेलो फ्रेंड्स, नेहा की पाकशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ मटर पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और हर कोई इसे पसंद करता है। तो चलिए हम मटर पुलाव बनाना शुरू करते हैं। और हर बार की तरह आपसे केवल ये एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। मटर पुलाव बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 कप बासमती चावल लिए हैं। आप जो घर में चावल इस्तेमाल करते हैं उससे भी ये पुलाव बना सकते हैं। अब हम चावलों को 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे। चावलों को हमने अच्छे से 2 से 3 बार धो लिया है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और चावलों को पानी में 20 मिनट के लिए भिगो कर रखेंगे। 20 मिनट हो गए हैं और चावल अच्छे से फूल गए हैं। अब हम इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। अब हम प्रेशर कुकर में चावल डालेंगे। मैंने ये मेजरिंग कप से नाप कर चावल लिए हैं, तो इसी नाप से हम चावलों में 2 कप पानी डालेंगे। चावल के इतने ऊपर पानी रहना चाहिए। आप नाप कर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इतना ही ऊपर पानी है। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे। कुकर को गैस पर रखेंगे और गैस को ऑन करके हाई फ्लेम पे करेंगे। 1 सीटी आने तक हम चावलों को पकाएंगे। इसमें 1 सीटी आ गई है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और प्रेशर कुकर को बिल्कुल ठंडा होने देंगे। कुकर ठंडा हो गया है और चावल अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम चावलों को एक बोल में निकाल लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसमें 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पुलाव का टेस्ट घी से ज़्यादा अच्छा आता है। अब गैस को ऑन करेंगे और मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। घी को थोड़ा गर्म होने देंगे। घी हल्का गर्म हो गया है। घी को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, वरना जो हम खड़े मसाले इसमें डालेंगे वो जल जाएंगे। गैस को अब हम मीडियम लो कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के तेज पत्ते, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 5 लौंग, 2 हरी इलायची और 8 से 10 काली मिर्च के दाने। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें 10 से 12 काजू डालेंगे। मैंने यहाँ पे टुकड़ा काजू का इस्तेमाल किया है, आप साबुत काजू भी ले सकते हैं। काजू को हम कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। काजू का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी हींग, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच जिंजर चिली पेस्ट। अच्छे से मिक्स कर देंगे सारी चीजों को। अब इसमें डालेंगे 2 चुटकी हल्दी, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला। वापस से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप बॉईल किए हुए मटर के दाने। अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही में इसमें 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। मटर को हम केवल 2 मिनट के लिए चलाते हुए पकाएंगे, जिससे कि सारे मसालों का फ्लेवर इसमें अच्छे से आ जाए। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें जो चावल हमने बनाकर रखे थे वो डालेंगे। चावलों को हल्के हाथ से इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्के हाथ से ही चावलों को मिक्स करना है, जिससे कि चावल का दाना टूटे नहीं। चावल मसाले और मटर के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा पुलाव कितना खिला खिला बना है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे
और इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। इसको थोड़ा सा हरे धनिया से गार्निश करेंगे। हमारा सिंपल और टेस्टी गर्मा गर्म मटर पुलाव तैयार है। आप इसे अपनी पसंद की किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी या फिर रायते के साथ खाएं और अपने एक्सपीरियंस कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।